अबे भाई ये क्या चीज है? अबे इतना बड़ा ट्रक इतनी सारी सुपर कार को लेके रिवर में गिर गया गाइस ब्रिज से, और ब्रिज भी टूट गया शायद। अबे भाई अच्छा वो ब्रिज से मैं आगे नहीं गया, लेकिन गाइस हमारी किस्मत देखो यहाँ पर कोई नहीं लग रहा गाइस मुझे शायद। और अगर यहाँ पर कोई नहीं होगा तो सारी की सारी गाड़ियां हम निकल, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर कौन सी गाड़ियां गाइस थार है सबसे पहले रेड कलर की, उसके पीछे मुझे लग रहा गाइस टेस्ला का साइबर ट्रक है मिलिट्री वाला। और भाई मिलिट्री एडिक्शन दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 3 है भाई, ये इनकी कीमत 8 करोड़ से ज्यादा है। और पीछे पर्पल कलर की BMW, अरे भाई इतना एक्सपेंसिव कलेक्शन भाई, ये अगर मेरे हाथ लग गया तो मजे आ जाएगा। लेकिन ये इतना बड़ा लोहे का ट्रक, इसको बाहर निकालना इतना ज्यादा आसान भी नहीं। क्या लगता है हमारा छोटा सा देसी ट्रैक्टर इसको बाहर निकाल पाएगा या फिर नहीं? चलिए देखते हैं जिसको सबसे पहले खींच रहा हूं। लेकिन आप देख सकते हैं भाई ट्रैक्टर जो नीचे नीचे जा रहा है, मतलब भाई इसको खींचना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसको खींचने की, लेकिन अगर मैंने इसको बाहर निकाल लिया गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और जितना मुझे पता है भाई ये कोई नॉर्मल इंसान का ट्रक नहीं होगा, सोच रहे हो इतना तगड़ा कलेक्शन, भाई कोई गैंगस्टर वैंगस्टर होगा अगर वो आ गया यहाँ पर। मुझे लग रहा है ना वो JCP या फिर कोई ना कोई बड़ी ट्रक वर्क लाने के लिए गया होगा इसको बाहर निकालने के लिए। और अगर उसने मेरे को देख लिया भाई यहाँ पर मेरी चटनी बना के रख देगा, तो भाई कोई आ जाए इससे पहले हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा। और मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि हम जो है पूरा की पूरा ट्रक नहीं लेके जाएंगे गाइस, ट्रक को यहीं पे छोड़ देंगे, इसके अंदर जो गाड़ियाँ हैं ना गाइस उनको अपन भगा के लेके जाएंगे, मतलब भाई अपने स्टोर पर लगा देंगे, अपने घर पर लगा देंगे, बाद में उनको बेचेंगे या फिर जो भी करेंगे। लेकिन बाहर निकालना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ देखो भाई हमारा ट्रैक्टर नहीं खींच पा रहा यार, मत कर बेइज्जती मेरे भाई, खींच ले यार ट्रैक्टर, इज्जत का सवाल है यार, इतने सारे लोग देख रहे हैं। भाई एक बंदा बोल रहा है खींच लेगा, चलो ठीक है देखते हैं खींचता है कि नहीं खींचता है। एक और बंदा बोल रहा है खींच लेगा, चलो ठीक है। सब लोग हाय हाय, सभी लोगों को हाय मेरे भाई, ये जितने लोग स्ट्रीम देख रहे हैं जल्दी जल्दी लाइक का बटन दबाओ, जिसने फॉलो नहीं किया फॉलो कर दो, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि भाई ये ट्रैक्टर खींच लेगा। ठीक है, ओ भाई ये इसने अभी जो हॉर्न मारा भाई, पेड़ से पूरा पंची वंची उड़ गए, इतने तगड़ा हॉर्न मारा, क्योंकि भाई पेड़ हमें तोड़ना पड़ा इस वजह से, हमने पहले पंची वंची उड़ा दिए ताकि उनकी जान वान को हानि ना हो। और यहाँ पर भाई इस बार मैं पानी के अंदर से नहीं कीचड़ हूँ, शायद मैं कीच लूंगा इसको, देखो यहाँ पर पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। और थोड़ा सा ट्रक आ गया है, मुझे ऐसा क्यों लगा, ओ आ रहा है निकल रहा है, और रे बेटे पूरा ट्रक निकल गया, बहुत सही, पूरा तो नहीं निकला लेकिन यार थोड़ा सा आगे आया गाइस। अभी ये चीज़ देखा अपने, देखी कितने लोगों ने देखी बताओ जल्दी, क्योंकि भाई अगर मैंने इसको बाहर निकाल लिया तो सोचो क्या होगा, 3-3 गाड़ियाँ निकालूंगा इससे बाहर में और चला के भी दिखाऊंगा भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखो भाई ये पानी में क्यों जा रहा है यार बार, भाई ये देखो इतनी आसान चीज़ नहीं पता इसको खींचना, ये मुश्किल चीज़ है, बट यार तभी तो मज़ा आ रहा है ना खींचने में। देखो आगे आ रहा है, मैं जब विंच को खींच रहा हूँ ना ट्रक आगे आ रहा है, देख रहे हो, देखो विंच से मैं इसको खींच रहा हूँ, विंच जिसको नहीं पता है, जो पीछे जो रस्सी लगी उस रस्सी पे एक मोटर लगी है, उस मोटर से मैं इसको खींच रहा हूँ, और साथ ही मैं ट्रैक्टर तो खींच रहा है, तो मतलब डबल पावर लग रही है हमें, तब जाके हम इसको आगे ले पे, मुझे लग रहा है ये सामने ये मुड़ ना जाए, ये देखो कितना ऊपर हो गया सामने से, ये जमीन पे ना खींच जाए सामने से, रुक जाओ, धीरे धीरे खींचना पड़ेगा, आजा बाहर आजा, थोड़ा और बस बाहर आ गया ना गाइस मजा ही आ जाएगा, थोड़ा सा बचा है। यप्स, दिलराज भाई स्ट्रीम को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भाई पूछे गेम का नाम क्या है, गेम का नाम है स्नो रनर। मेरे भाई सभी लोग जल्दी जल्दी लाइक और फॉलो बटन दबाओ, क्योंकि यहाँ पर फाइनली ऑलमोस्ट निकल गया, ऑलमोस्ट थोड़ा और बचा गया, थोड़ा और बस खींच ले मेरे भाई ट्रैक्टर यार, ओपी ट्रैक्टर है गाइस हमारा, देसी भाई, देसी चीज़ें बहुत तगड़ी होती है, ठीक है देसी चीज़ें हमारी ओपी होती है हर बार, तो जल्दी खींच ले, थोड़ा और खींचना है बस। ये देखो भाई रिवर से मैं इसको बाहर निकाल दिया, बस थोड़ा सा आगे लेके आओ ना, तो फिर ट्रक का जो वो रैंप है ना उसको नीचे करके मैं सारी की सारी गाड़ियों को चला पाऊंगा भाई साहब, बहुत मज़ा आने वाला है, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई सारी की सारी गाड़ियों को चलाने के लिए। बट अभी भी देखो कितनी ज़्यादा दिक्कत जा रही है ट्रैक्टर को खींचने में, क्योंकि यार ये देखो भाई ट्रक के टायर देखो कितने सारे हैं भाई, कम से कम 25-30 टायर है यार ट्रक के, अरे बेटे इतना बड़ा ह्यूज ट्रक, ये हमारा है अकेला ट्रैक्टर खींच लिया। चलो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका जो रैंप, ओ भाई गाड़ियाँ तो एकदम चमक रही है यार, गाड़ियों को कुछ भी नहीं हुआ भाई, मज़ा ही आ गया लिटरली ये चीज़ देख के। ओके ट्रक का इंजन चालू है, हमने ट्रक का जो रैंप है गाइस उसको नीचे कर लिया है, और भाई हमारा जो BMW है उसको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, रुक जाओ, ये तो अलग ही कलर है यार BMW का, मुझे लगा पर्पल होगा, ये थोड़ा पिंकिश कलर है, मतलब पिंक वाला पर्पल को मिक्स कर दिया गया है, लेकिन ओ भाई घिस गई, लेकिन निकल गई, चलो निकल गई ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीछे से थोड़ा सा लगा इसको, ज़्यादा नहीं लगा, थोड़ी सी ठुक गई है,
बट भाई चीज तो बढ़िया है ना यार, BMW X6 है गाइस ये, X6 की कीमत भाई बहुत तगड़ी, आई थिंक 60-70 लाख तो होगी, 80 लाख तो होगी ना कम से कम, 1 करोड़ के आसपास होगी, लेकिन वो सब छोड़ो भाई, 8 करोड़ का मिलिट्री एडिशन टेस्ला साइबर ट्रक भाई बहुत रेयर है, दुनिया में बहुत कम है, पूरे दुनिया में 3-4 है कुछ भाई। उ ये इसकी पावर देखो बेटे, क्या खींचा इसने, अरे भाई क्या पावर है, ये तो बड़ा ताकतवर है गाइस, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई क्या खतरनाक चीज़ है गाइस ये तो। चलो इसको भी निकाल दिया हमने, अब बची गाइस हमारी लास्ट वाली थार, तो थार को भी निकाल देंगे, लेकिन ओ बेटे ये तो बड़ी बवाल चीज़ है भाई, क्या ही मज़ेदार तरीके से चल रहा है ये। हम BMW, ओके BMW अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, काम करता हूँ, मुझे अब थार पे शिफ्ट करना है, तो BMW को मुझे लग रहा है पीछे लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और थार का अपना इंजन चालू हो चुका है, ये थार भी अपनी देसी चीज़ है गाइस, देसी चीज़ें तो तगड़ी होती है, मुझे देखना है कि थार घिसती कि नहीं नीचे। उबे सारी गाड़ियाँ घिसी गाइस, लेकिन थार नीचे नहीं टिक गई, मतलब थार बवाल चीज़ है, थार का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ओ बेटे गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको जो स्ट्रीम में बहुत मज़ा आया होगा, और आपने लाइक फॉलो भी कर दिया होगा, प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना, अपन मिलेंगे अब अगले स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय, और लव यू ऑल मेरे सभी भाइयों को, और जो जो शेयर करेगा उसको शाउट आउट भी मिलेगा, तो शेयर भी